अभियोजकों ने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, उनसे वह आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है। दिनांक 30 जनवरी की घटना का उत्तरदायी केवल मैं ही हूं। अन्य समय में भी मैंने न किसी के साथ षड्यंत्र किया है और न किसी की सहायता की है, अतएव षड्यंत्र का आरोप मैं अस्वीकार करता हूं। बताना आवश्यक समझता हूं कि मैं दिल्ली क्यों और किस प्रकार आया। इस बात को तो मैं सदा बिना छिपाए कहता रहा हूं कि मैं गांधी जी के सिद्धांतों के विरोधी सिद्धांतों का प्रचार कर रहा हूं। मेरा यह पूर्ण विश्वास रहा है कि अहिंसा का अति प्रचार हिंदू जाति को अत्यंत निर्बल बना देगा। इसलिए मैंने निश्चय किया कि सार्वजनिक कार्य में लगूं और अपने जैसे विचारों के व्यक्तियों का संगठन करूं। इस दिशा में मैंने और आप्टे ने मिलकर काम किया और एक दैनिक पत्र अग्रणी प्रकाशित किया। हम लोग गांधी जी की अहिंसा के ही विरोध में नहीं थे। पश्चात प्रार्थना सभाओं में गांधी जी ने जब अपने विकृत राजनैतिक विचारों को प्रकट करना प्रारंभ किया, तब मैंने और मेरे सहयोगी श्री अप्टे ने यह निश्चय किया कि हम गांधी जी के कार्यक्रमों का शांतिपूर्वक विरोध करें। हमने ऐसे प्रदर्शन पंचगनी, पुना, बंबई और दिल्ली में किए। हमारे और गांधी जी के सिद्धांतों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। यह अंतर बढ़ता ही गया। गांधी जी के इशारों पर चलने वाली कांग्रेस ने जब 15 अगस्त 1947 के दिन देश का विभाजन स्वीकार कर लिया, तब मतभेद और भी बढ़ गया। इस विषय में मैं विस्तार से बताऊंगा। 13 जनवरी सन 1948 को मुझे पता लगा कि गांधी जी एक और अनशन करने का निश्चय कर चुके हैं। इस अनशन के द्वारा वे इस बात का आश्वासन चाहते थे कि इंडियन डोमिनियन अर्थात विभाजित हिंदू भारत में हिंदू मुस्लिम एकता रहे, किंतु मैं और बहुत से लोग इस बात को स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि अनशन का वास्तविक ध्येय कुछ और था। गांधी जी भारत सरकार को बाध्य करना चाहते थे कि वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दे। गांधी जी के इस प्रस्ताव से भारत सरकार पूर्णतया असहमत थी। इस विषय में श्री आप्टे ने परामर्श दिया कि गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में लगातार विरोध प्रदर्शन करने चाहिए। मैं इस प्रस्ताव पर सहमत तो हो गया, किंतु मैं जानता था कि ऐसे प्रयत्न सर्वथा निरर्थक होंगे। फिर भी इसके अतिरिक्त उस समय कोई और उपाय नहीं था, इसीलिए हमने ऐसे प्रदर्शन करने का निश्चय कर लिया और इस निश्चय के साथ हम बंबई गए। यहां संयोगवश मुझे एक शरणार्थी मिला जो शस्त्र बेचता था। उसने मुझे एक पिस्तौल दिखाई। मुझे वह पिस्तौल पसंद आ गई और मैंने उसे खरीद लिया। यही वह पिस्तौल थी जिससे मैंने गांधी जी को निशाना बनाया। अभियोजक कहते हैं कि मुझे वीर सावरकर ने मार्गदर्शन किया और यदि उनका प्रोत्साहन न होता तो मैं गांधीवध न कर पाता। मैं इस बात को अस्वीकार करता हूं। उनके कथन में असत्यता है। ऐसे सत्यविहीन न्यायविहीन आरोप पर मैं तीव्रतर प्रतिरोध करता हूं। उस आरोप में मेरी संतुलित बुद्धि का और प्रज्ञा का अपमान है। अभियोजकों का यह कहना है कि मैं किसी के हाथ की कठपुतली हूं, वस्तुस्थिति के विपरीत है, प्रत्युत वह सत्य का विपर्यास है। मुझे हिंदुत्व का अभिमान था। मैं ज्यों ज्यों बड़ा होता गया स्वतंत्रता पूर्वक सोचता रहा। मैं कट्टरपन पर नहीं जमा रहा, इसीलिए मैंने छूत छात और जन्मगत जातीयता को मिटाने का प्रयत्न किया। मैंने जाति पांति विरोधी दल में काम किया और इस निश्चय पर पहुंचा कि सब हिंदू बराबर हैं, चाहे वे किसी भी जाति में उत्पन्न हुए हों और चाहे उनका कोई भी व्यवसाय हो, सबको एक ही सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। मैंने खुल्लम खुल्ला बहुत बार ऐसे भोजों में भाग लिया जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अंत्यजों ने साथ बैठकर भोजन किया था। मैंने दादाभाई नौरोजी, विवेकानंद, गोखले और तिलक के साहित्य को पढ़ा है और प्राचीन एवं आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ा है। साथ ही संसार के बड़े बड़े देशों इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस के इतिहास को भी पढ़ा है। केवल यही नहीं, प्रत्युत मैंने समाजवाद और रूस के कम्युनिज्म पर भी पुस्तकें पढ़ी हैं। परंतु सबसे अधिक ध्यान
मैंने वीर सावरकर और गांधी जी के साहित्य और विचारों पर दिया। आधुनिक भारत गत 50 वर्षों में इन्हीं दो पुरुषों के सिद्धांतों से प्रभावित रहा है। पर्याप्त पढ़ने और सोचने के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि देशभक्त होने के नाते मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य हिंदुत्व और हिंदू जनता की सेवा करना है, क्योंकि 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा करना संपूर्ण संसार के पांचवें भाग की भलाई करना है। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर मैं हिंदू संगठन की ओर आकृष्ट हुआ और मेरा यह विश्वास दृढ़ हो गया कि इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर मातृभूमि भारतवर्ष की स्वतंत्रता को स्थायी रखा जा सकता है। उन्हीं दिनों बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई जिनसे मुझे ऐसा विश्वास हो गया कि सावरकर जी और अन्य नेता मेरे विचारों के युवकों की उग्र नीति का समर्थन नहीं करेंगे। 1946 में सुरावर्दी की सरकार के समय नौखाली में मुसलमानों के हाथों हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उससे हमारा खून खौल गया। मैंने और आपटे ने यह निश्चय किया कि उनकी प्रार्थना सभाओं में इतने प्रदर्शन करें कि उनके लिए प्रार्थना सभा करना असंभव हो जाए। श्री आप्टे ने कुछ शरणार्थी साथ लेकर शहर में एक जुलूस भी निकाला जिसमें गांधी जी और सुरावर्दी के विरुद्ध नारे लगाए गए और भंगी कॉलोनी की प्रार्थना सभा में प्रदर्शन किया। उस समय हमारा हिंसा करने का लेश मात्र भी विचार न था, फिर भी गांधी जी ने कायरता पूर्वक पिछले दरवाजे से शरण ली और अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया। जब श्री सावरकर ने इस प्रदर्शन के विषय में पढ़ा तो उन्होंने हमारे कार्य की प्रशंसा नहीं की, प्रत्युत मुझे एकांत में ऐसे कार्य के लिए बहुत बुरा भला कहा। यद्यपि हमने प्रदर्शन शांतिपूर्ण किए थे, तथापि उन्होंने कहा, जिस प्रकार मैं इस बात की निंदा करता हूं कि कांग्रेस से संबंध रखने वाले लोग हमारी सभाओं और चुनाव में शांति भंग करते हैं, उसी प्रकार मुझे इस बात की भी निंदा करनी चाहिए कि हिंदू संगठनवादी लोग कांग्रेस वालों के किसी कार्यक्रम को भंग करते हैं। यदि गांधी जी अपने प्रार्थना सभाओं में हिंदुओं के विरुद्ध बोलते हैं तो उसी प्रकार आप भी अपनी पार्टी की सभा करें और गांधी जी के सिद्धांतों का खंडन करें। हम सबको अपनी अपनी बात का प्रचार संवैधानिक नियमानुसार करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण घटना उस समय हुई जब भारत के विभाजन का अंतिम निश्चय हुआ। उस समय कुछ हिंदू सभाई ये जानना चाहते थे कि विभाजित भारत की नई कांग्रेस सरकार के साथ हिंदू महासभा का क्या व्यवहार होगा। वीर सावरकर आदि हिंदू नेताओं ने कहा कि नई सरकार को किसी दल अथवा कांग्रेस की सरकार नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत भारत की राष्ट्रीय सरकार समझना चाहिए और उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनने का उनको दुख तो अवश्य है, परंतु फिर भी नई आजादी की रक्षा करने के लिए और उसे स्थायी रखने के लिए नई सरकार को सहयोग देना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। यदि नई सरकार को सहयोग न दिया तो देश में गृहयुद्ध हो जाएगा। कुछ समय बाद ही पंजाब और भारत के अन्य भागों में मुसलमानों के अत्याचार शुरू हो गए। कांग्रेस शासन ने बिहार, कलकत्ता, पंजाब और अन्य स्थानों पर उन हिंदुओं को ही गोली का निशाना बनाना शुरू कर दिया जिन्होंने मुसलमानों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का साहस किया था। जिस बात से हम डरते थे वही होकर रही। फिर भी कितनी लज्जा की बात थी कि कांग्रेस शासन 15 अगस्त 1947 को रंग रैलियां रचाएं, रोशनी करे और आनंदोत्सव मनाए, जबकि उसी दिन पंजाब में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का खून बहाया जा रहा था और पूरे पंजाब में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे। मेरे विचारों के हिंदू सभाइयों ने निश्चय किया कि हम उत्सव मनाएं और मुसलमानों के बढ़ते हुए अत्याचार को रोकने का प्रयत्न करें। मैंने अपने दैनिक पत्र अग्रणी में हिंदू महासभा की इस नीति और वृद्ध नेताओं के कार्यों की आलोचना आरंभ की और हिंदू संगठन के इच्छुक नवयुवकों का आह्वान किया कि वे हमारे कार्यक्रम को अपनाएं। सन 1920 से अर्थात लोकमान्य तिलक के पश्चात गांधी जी का प्रभाव कांग्रेस में बढ़ा और बल पकड़ता गया।
उन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए जो कार्य किया उनका बहुत प्रभाव पड़ा। वे सत्य और अहिंसा के नारे लगवाते रहे। कोई भी समझदार व्यक्ति उन नारों को बुरा नहीं कह सकता था। वास्तव में इन उद्घोषों में नवीन बात न थी। प्रत्येक शांतिपूर्ण आंदोलन में ऐसे उद्घोष लगाए ही जाते हैं। ये आशा करना कि जनता साधारण जीवन में ऐसे उच्च सिद्धांतों पर चलेगी केवल एक स्वप्न है। वास्तविकता यह है कि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए और अपने आश्रितों और देश के लिए कुछ करने के लिए हमें अहिंसा छोड़कर हिंसा पर चलना पड़ेगा। मेरा अटल विश्वास है कि अत्याचारी का सामना शस्त्रों से ही किया जा सकता है। अत्याचारी शत्रु का शस्त्रों से दमन करना मैं पवित्र समझता हूँ। श्री रामचंद्र ने सीता को मुक्त कराने के लिए रावण को मारा। श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए कंस को मारा। महाभारत में अर्जुन को भी बहुत ऐसे व्यक्तियों को मारना पड़ा जिनमें उनके बहुत से निकट संबंधी भी थे। यहाँ तक कि पूजनीय भीष्म पितामह को भी मारना पड़ा क्योंकि वे अत्याचारी के पक्ष में थे। यदि कोई राम कृष्ण और अर्जुन को हिंसक समझता है तो उसको मानवता के सिद्धांत का ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहना चाहिए कि उसे संसार की कार्य प्रणाली का ही ज्ञान नहीं है। वो छत्रपति शिवाजी की ही वीरता थी जिसने भारत में यवनों के अत्याचार को रोका। शिवाजी ने जिस प्रकार अफजल खान को मारा वो बिल्कुल ठीक तरीका था, अन्यथा अफजल खान शिवाजी को मार डालता। गांधी जी शिवाजी प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की निंदा करते थे और उनको गलत पथ पर चलने वाला कहते थे और इस प्रकार अपने बौद्धिक दिवालियापन का प्रमाण दे रहे थे। गांधी जी 1914 में इंग्लैंड से आए और उसी समय उन्होंने देश के राजनैतिक जीवन में प्रवेश किया। दुर्भाग्य से श्री फिरोज शाह मेहता और श्री गोखले, जिनको गांधी जी अपना गुरु कहते थे, शीघ्र ही स्वर्गवासी हो गए। गांधी जी ने अपना कार्य अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम खोलकर प्रारंभ किया, सत्य और अहिंसा के जयघोष कराए। उन्होंने स्वयं इस बात को बहुत बार स्वीकार किया कि वे अपने सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य कर जाते हैं। मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्हें अपने सिद्धांत जब तोड़ने पड़ते थे तो वे इसमें कभी नहीं चूकते थे। सत्य और अहिंसा वैसे तो बहुत अच्छे सिद्धांत हैं, परंतु उनको जीवन में बरता जाए तभी तो वो अच्छे कहलाएंगे। शिवा बावनी पर प्रतिबंध। गांधी जी ने शिवा बावनी जैसी साहित्यिक और ऐतिहासिक रचना पर भी प्रतिबंध लगवा दिया कि उसे लोगों के बीच न पढ़ा जाए। शिवा बावनी 52 छंदों का एक संग्रह है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशंसा गाई गई है और इस बात का वर्णन है कि किस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म और राष्ट्र की रक्षा की। शिवा बावनी में एक छंद है कि यदि शिवाजी न होते तो सारा देश मुसलमान हो जाता। सुहावर्दी को संरक्षण। मुस्लिम लीग ने उस केंद्रीय अस्थाई मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया जिसको बनाने के लिए लॉर्ड वेवल ने नेहरू को आमंत्रित किया था। इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग ने नेहरू सरकार के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने के लिए काउंसिल बनाई। नेहरू मंत्रिमंडल के निर्माण के 2 सप्ताह पूर्व अर्थात 15 अगस्त 1946 को कलकत्ता में हिंदुओं का व्यापक संहार किया गया जो बिना किसी रोक टोक के 3 दिन तक चलता रहा। इन दिनों की भयानक घटनाओं के रोमांचकारी चित्र प्रसिद्ध अंग्रेज दैनिक स्टेट्समैन ने प्रकाशित किए थे। उस समय यह सोचा जाने लगा कि जिस सरकार के काल में इतने अत्याचार हुए हों उसको पद से अलग कर देना चाहिए। यह सरकार सुरावर्दी की थी, परंतु साम्यवादी गवर्नर ने भारत सरकार की एक्ट धारा 93 के अनुसार गवर्नमेंट संभालने से इनकार कर दिया। उस समय गांधी जी कलकत्ता गए
और इन सब अत्याचारों की जड़ सुरावर्दी से उन्होंने मित्रता स्थापित कर। 1943 में जेल में गांधी जी ने जब अनशन किया तो किसी व्यक्ति को भी राजनैतिक समस्याओं के विषय में उनसे मिलने नहीं दिया जाता था, केवल उनके निकट संबंधी ही स्वास्थ्य के विषय में जानने के लिए मिलते थे। उन दिनों श्री राजगोपालाचार्य उनसे मिले और पाकिस्तान बनाने की योजना का उन्हें परामर्श दिया। गांधी जी ने उनको इस विषय में जिना से बातचीत करने की आज्ञा दी। फिर 1944 में गांधी जी 3 सप्ताह तक जिना से बातचीत करते रहे और उसने वर्तमान पाकिस्तान जैसी ही योजना उनके सामने रखी। गांधी जी प्रतिदिन जिना के घर जाते थे और उसकी प्रशंसा करते थे, उससे गले मिलते थे, परंतु जिना अपनी पाकिस्तान की मांग से 1 इंच भी न हटा। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, परंतु सब कुछ इसके विपरीत हो रहा था। कैबिनेट मिशन प्लान। 1946 के प्रारंभ में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें इंग्लैंड के भारत मंत्री श्री लॉरेंस, श्री अलेक्जेंडर और श्री क्रिप्स थे। इसके भारत आने के विषय में प्रधानमंत्री श्री एटली ने पार्लियामेंट में एक भाषण दिया और कहा कि अंग्रेजी गवर्नमेंट भारत की बागडोर भारतवासियों को ही सौंपना चाहती है, परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि सब भारतवासी एक निर्णय पर पहुंच जाएं। मिशन का घोषित कार्य सब दलों में संधि कराना था, परंतु जो कुछ मिशन ने किया वह भारत के लिए बहुत हानिकारक था। कांग्रेस संगठित भारत चाहती थी, परंतु कांग्रेस को अपने ध्येय और अपनी मांग पर आत्मविश्वास न था। दूसरी ओर जिना विभाजित भारत चाहता था और अपनी मांग पर अड़ा हुआ था। इन समस्याओं को सुलझाने में बहुत कठिनाई दिखाई देती थी, इसलिए मिशन ने सबसे बात की और फिर 15 मई 1946 को अपने निर्णय की घोषणा कर दी। मिशन ने प्रकट रूप में तो संगठित भारत के प्रति शुभकामनाएं प्रकट की, किंतु प्रकारांतर से अपनी योजना में पाकिस्तान के पूर्ण अंश भर दिए। उसने 6 धाराएं ऐसी रखी जिनको मानने पर भारत के 2 टुकड़े हुए बिना नहीं रह सकते थे। चाहे ये विधान परिषद चुने हुए व्यक्तियों से बना हो, फिर भी उसके द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का विधान नहीं बनाया जा सकता था। कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के बाद इतनी निराश हो चुकी थी कि वो कोई भी ऐसी योजना मानने को तत्पर थी जिसमें तनिक भी राष्ट्रीयता की झलक हो। इसलिए इस योजना को स्वीकार करके कांग्रेस ने प्रकारांतर से पाकिस्तान मान लिया, परंतु योजना में पाकिस्तान का शब्द न होने से वह संतुष्ट थी। कांग्रेस ने योजना को तो स्वीकार कर लिया, परंतु केंद्रीय सरकार बनाने को तैयार न हुई। अंत में कांग्रेस को सरकार बनानी पड़ी और बिना शर्त सारी योजना को स्वीकार करना पड़ा। जिना ने अंग्रेजों को अन्यायी बताकर उनकी निंदा प्रारंभ कर दी। उधर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही प्रारंभ की। बंगाल, पंजाब, बंबई और अन्य स्थानों पर मुसलमानों ने ऐसे रक्तपात, लूटपाट और अग्निकांड किए कि इतिहास में कहीं भी उनका उदाहरण देखने को नहीं मिलता। हानि केवल हिंदुओं की ही हुई। कांग्रेस जिना के शरण में। अगले वर्ष ही कांग्रेस ने जिना के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान मान लिया गया। जो कुछ उसके पश्चात हुआ वो सबको भलीभांति ज्ञात है। गांधी जी फिर मुसलमानों का पक्ष लेते रहे। जो लाखों हिंदू लूटे पीटे नष्ट हुए, इस महात्मा ने उनके लिए एक शब्द भी न कहा। वह स्वयं को मानवता का सेवक कहता था, किंतु उसके लिए मानवता के एकमात्र प्रतीक मुसलमान थे। हिंदू उसकी मानवता के क्षेत्र में नहीं आते थे। इस विचित्र साधु वृत्ति को देखकर मुझे आघात पहुंचा। गांधी जी और गोवध। गांधी जी गो रक्षा के लिए बड़ी तीव्र इच्छा प्रकट किया करते थे, परंतु वास्तव में उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं किया। प्रार्थना सभा में वे जो भाषण देते थे, उनमें एक भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह मान लिया है कि वे गो रक्षा में असफल रहे हैं। उनके उस भाषण का अंश नीचे उद्धृत है। आज
राजेंद्र बाबू ने मुझे सूचना दी है कि उनके पास 50,000 पोस्टकार्ड और 25-30,000 के लगभग तार आए हैं कि गोहत्या को कानून द्वारा बंद कर दिया जाए। इस विषय में मैंने पहले भी एक बार कुछ कहा था। पता नहीं इतने पोस्टकार्ड और तार क्यों भेजे गए हैं, इनका कोई लाभ नहीं है। भारत में गोहत्या रोकने के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाते हैं, जो अत्यंत सम्मान का पद है, पर वे पिता का कर्तव्य पालन करने में असफल रहे। उन्होंने तो बड़ी निर्दयता से राष्ट्र के दो टुकड़े कर दिए। यदि वे सच्ची आत्मा से पाकिस्तान का विरोध करते तो लीग कभी भी इतनी सुदृढ़ता से ये मांग न रख पाती और अंग्रेज पूर्ण प्रयत्न करके भी इसे न बना पाते। देश की जनता पाकिस्तान बनाने की घोर विरोधी थी, पर गांधी जी ने जनता को धोखा दिया और मुसलमानों के पाकिस्तान का पिता सिद्ध किया है। इसलिए मैंने भारत माता का एक पुत्र होने के नाते अपना कर्तव्य समझा कि ऐसे व्यक्ति का अंत कर दिया जाए जिसको कहा तो जा रहा है राष्ट्रपिता, किंतु जिसने मातृभूमि का विभाजन करने में सर्वाधिक हाथ बटाया। गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के अनुसार हमें अत्याचार सहन करते जाना चाहिए और शस्त्र या शारीरिक शक्ति से प्रतिकार नहीं करना चाहिए। गांधी जी की अहिंसा उस सिंह की अहिंसा है जो उस समय अहिंसा का पुजारी हो जाता है जब वो सहस्त्रों गायों को खा पीकर थक जाता है। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों ने निर्दयता से मार दिया था। गांधी जी उनका उदाहरण देकर कहते थे कि इस प्रकार अहिंसा पर चलकर अपना बलिदान कर देना चाहिए। मेरा विश्वास है यह अहिंसा यानी नपुंसकत्व देश को नष्ट कर देगी और पाकिस्तान भारत पर आधिपत्य जमा लेगा। मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैं गांधी जी का वध करूंगा तो मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे, मेरा सम्मान जो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है नष्ट हो जाएगा। किंतु साथ में मैं ये भी जानता था कि गांधी जी सदा के लिए विदा हो जाएंगे तो देश की राजनीति में शस्त्र प्रयोग और प्रतिकारात्मक कार्यवाही को स्थान मिलेगा, देश शक्तिशाली होगा। मैं अवश्य मरूंगा किंतु देश अत्याचारों से मुक्त होगा। सब मुझे मूर्ख कहेंगे, पर देश ऐसे मार्ग पर चलेगा जो उचित होगा। यही सोचकर मैंने गांधी जी का अंत करने की ठानी। मैंने अपना निर्णय किसी को नहीं बताया। 30 जनवरी 1948 के दिन मैंने गांधी जी का वध किया। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं पाप मानता हूं, मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूं। मुझे विश्वास है यदि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई और न्यायालय होगा तो उसमें मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए और हिंदू नष्ट हुए। वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात मैं अनासक्त जीवन बिता रहा हूं। मेरे लिए संतोष का विषय है कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। हैदराबाद की समस्या में अकारण देर हो रही थी। सरकार ने गांधी जी के मृत्यु के बाद शस्त्र शक्ति से इस समस्या को ठीक रूप से सुलझा दिया है। भारत की आधुनिक राजनीति और सरकार अभी तक तो ठीक प्रकार से चलती हुई जान पड़ रही है। गृहमंत्री ने कहा है कि देश के पास प्रचुर युद्ध सामग्री होनी चाहिए। ऐसा विचार प्रकट करते हुए उन्होंने ये नहीं कहा
कि वे गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर यह सब कुछ करेंगे। यदि वे ऐसा कहें तो केवल अपने मन के संतोष के लिए कहेंगे। ये याद रखना चाहिए कि यदि आधुनिक शस्त्रों का प्रयोग करके ये कहा जाए कि गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत पर चला जा रहा है, तो हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल या रूजवेल्ट के देश रक्षा के ढंग और गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत में कोई भेद नहीं रह जाएगा। मैं यह मानने को तैयार हूं कि गांधी जी ने देश के लिए बहुत कष्ट उठाए। उन्होंने जनता में जागृति पैदा की। उन्होंने स्वार्थवश कुछ नहीं किया, परंतु दुख यह है कि वे इतने ईमानदार नहीं थे कि अहिंसा की हार को स्वीकार कर लेते। मैंने दूसरे भारतीय देशभक्तों और नेताओं के भी चरित्र पढ़े हैं जिन्होंने गांधी जी से अधिक बलिदान किए हैं। कुछ भी हो, गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूं। उन पर गोली चलाने के पूर्व मैं उनके सम्मान में इसीलिए नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है। गांधी जी ने देश को छलकर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसीलिए मैंने गांधी को गोली मारी। उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका रह गया था। यदि मैं यह न करता तो मेरे लिए अच्छा ही होता, परंतु स्थिति बहुत खराब हो गई थी और मेरे हृदय में इतना अधिक क्षोभ था कि मैंने सोचा कि गांधी जी को स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरने देना चाहिए। संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति ने अन्यायपूर्वक राष्ट्र के साथ छल करके भयानक रूप से देश के एक संप्रदाय का जो पक्ष लिया है उसका दंड भोगना पड़ा। मैंने इस समस्या का अंत इसी प्रकार करना चाहा, क्योंकि इसी से लाखों निर्दोष हिंदुओं का जीवन बच सकता था। गांधी जी की जो अहम्मय प्रवृत्ति इस पवित्र भूमि के पुत्रों के लिए घातक सिद्ध हुई, उसके लिए भगवान उन्हें क्षमा करे। मेरी न किसी से कोई शत्रुता है, न किसी के प्रति कोई दुर्भावना। आप मेरी इस भावना को जिस प्रकार देखना चाहे देखें, और इस भावना के परिणाम स्वरूप मेरे किए हुए इस कार्य को देखकर जो दंड उचित समझे दें। इस विषय में कुछ कहने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। इस अभियोग में बहुत से मनुष्यों को मेरे साथ इस अपराध में ले लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने षड्यंत्र रचा। इस विषय में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस कार्य में मेरा कोई साथी नहीं था। स्वयं मैं और केवल मैं ही इसका उत्तरदायी हूं। यदि दूसरे लोग इसी दोष के लिए नहीं खड़े किए जाते तो मैं अपने लिए बचाव भी न करता। न्यायालय को मालूम है कि 30 जनवरी 1948 के कृत्य से संबंधित साक्षीदारों की परिपरीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन न ली जाए ऐसी मेरी इच्छा थी, और मेरे विधिज्ञों को भी मेरा वैसा आग्रह रहा था। इससे मैं अपने लिए बचाव नहीं कर रहा, यह स्पष्ट होगा। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य मैंने दिया है वो सत्य और शुद्ध है। प्रत्येक बात संदर्भ ग्रंथों को देखकर तैयार की गई है। मैंने सरकारी समाचार पत्र, इंडियन ईयर बुक, कांग्रेस का इतिहास, गांधी जी की आत्मकथा, समय समय पर प्रकाशित कांग्रेस के बुलेटिन, यंग इंडिया और हरिजन की फाइलें और गांधी जी की प्रार्थना सभा के भाषणों से ये वक्तव्य तैयार करने में सहायता ली है। मैंने ये लंबा वक्तव्य इसलिए नहीं दिया है कि लोग मेरे कार्य को सराहें, बल्कि इसलिए दिया है कि लोग मेरे विचारों को भली भांति जान जाए और किसी के मस्तिष्क में मेरे विषय में कोई भ्रांत धारणा न रहे। भगवान करे हमारा देश
फिर अखंड हो और जनता उन विचारों का त्याग करे जो अत्याचारी के आगे झुकने की प्रेरणा देते हैं। भगवान से यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। मेरा वक्तव्य अब समाप्त हो चुका है। आपने इसे ध्यान से सुना और सुविधाएं दी, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। जिन्होंने इस बड़े अभियोग में मुझे कानूनी सहायता दी और जो पुलिस ऑफिसर इस अभियोग से संबंधित है, उनके प्रति मेरे हृदय में कोई दुर्भावना नहीं है। मैं उनके सद्व्यवहार के लिए उनका भी कृतज्ञ हूं। यह सत्य है कि मैंने 300-400 लोगों के बीच दिन के समय गांधी पर गोलियां चलाई। मैंने भागने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वास्तव में भागने का विचार मेरे मस्तिष्क में आया ही नहीं। मैंने अपने ऊपर गोली चलाने का प्रयत्न भी नहीं किया। आत्मघात करने का मेरा कभी विचार न था, क्योंकि मैं अपने विचारों को खुले न्यायालय में प्रकट करना चाहता था। आलोचनाओं के बावजूद भी मैंने जो कृत्य किया, उसके नैतिक पक्ष पर मेरी आत्मा कभी विचलित नहीं हुई। मुझे किंचित भी संदेह नहीं कि भविष्य में सच्चाई और ईमानदारी से इतिहास के इस अध्याय को इतिहासकार लिखेंगे तो वे मेरे कार्यों और उसके परिणाम का सही मूल्यांकन करेंगे। अखंड भारत अमर रहे। वंदे मातरम।